देखो जी, आज हम लोग का इधर आज हम लोगों का क्लास में होगा क्या, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन लगभग ख़त्म है। अब शिफ्टिंग क्या होता है समझिएगा। शिफ्टिंग का मतलब पहले ये क्या लिखा हुआ बाद में बात करते हैं, पहले आप समझिए। इधर जी फिगर देखोगे, पूरा एक्सिस नहीं लेके चल रहे हैं हम, सिर्फ पहला एक्सिस, पहला घर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये वाई, ये ओ, ये क्या एक्स। ठीक है, अब क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंगली मेरा कोई एक पॉइंट है पी यहाँ पर, जो कि क्या है एक्स कॉमा वाई, जो आप लोग पढ़ते आए हैं, ध्यान दीजिएगा पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या कहा गया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मतलब हो गया ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस को एक जगह से उसको ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया गया, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया गया। तो क्या होता है, समटाइम इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द ओरिजिन टू ए न्यू पॉइंट। ओरिजिन को कहीं उठा के शिफ्ट कर दिया गया, ओरिजिन को ही उठा के कहीं शिफ्ट कर दिया। सपोज कीजिए यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ पर, तो ये वाई था तो ये वाई डैश हो जाएगा, और ये ओ था तो नया वाला ओरिजिन को ओ डैश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ओ डैश। और ये क्या हो जाएगा सर, एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश, नया वाला ओरिजिन। तो नया वाला ओरिजिन का बता सकते हो, ये ओरिजिन था तो जीरो जीरो था, ये ओरिजिन तो जीरो जीरो। अब ये नया ओरिजिन कितना हुआ होगा, तो कह सकते हैं ये यहाँ ऐसे आएगा और ये यहाँ से ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ को, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, मान के चलिए ये और ये हम लोग नाम दे देते हैं एच, एच कॉमा के, एच कॉमा के, मान के चलिए कुछ भी दे सकते हैं। तो सपोज कीजिए एच कॉमा के दे दिए, तो एच क्या होगा, एक्स। तो यहाँ से यहाँ जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स, एक्स हाँ सॉरी एच। और जो ये पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, के, क्या कहलाएगा, के। अब ये वाला, ये तो नया ओरिजिन हो गया, मान लिए इसके अकॉर्डिंगली ये ओल्ड ओरिजिन, और ये क्या नया ओरिजिन। तो यहाँ देखिए ओरिजिन, इधर जी ओरिजिन टू ए न्यू पॉइंट, तो नया पॉइंट पर आ गया ओरिजिन, जो कि ओरिजिन पहले जीरो जीरो था, अब क्या हो गया एच कॉमा के। अब याद कीजिए टू ए न्यू ओरिजिन एंड न्यू एक्सेस आर ट्रांसफर टू पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सेस। यानी कि कहने का मतलब जो नया वाला पॉइंट होगा, ये तो पुराना पॉइंट है किसके अकॉर्डिंगली, ओल्ड ओरिजिन के अकॉर्डिंगली। तो नया वाला पॉइंट क्या होगा, तो नया वाला पॉइंट सपोज कीजिए ये पॉइंट इसके अकॉर्डिंगली, नया वाला ओरिजिन के अकॉर्डिंगली, इसको नाम दे देते हैं एक्स डैश, और ये क्या वाई डैश, और वो पी ना बोलकर वो क्या कर देंगे, पी, पी डैश। तो पॉइंट वही है, लेकिन ये ओल्ड ओरिजिन के अकॉर्डिंगली एक्स कॉमा वाई था, अस ओरिजिन शिफ्ट हो गया तो वो पॉइंट थोड़ी चेंज हो जाएगा, पॉइंट वही रहेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा, तो ओल्ड वाला के रिस्पेक्ट में तो वही रहेगा। तो यही लैंग्वेज अब हमको देना है। ठीक है, तो वही कहा गया है क्या कि नया जो एक्सेस बनता है हमको, नया जो एक्सेस बनता है वो ओरिजिन वाला का क्या होता है, पैरेलल होता है, ओरिजिन वाला का पैरेलल। तो ये देखिए वाई एक्सिस के, तो नया वाला एक्सेस बन रहा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये एक्स है तो ये एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक है, अब इसी में हम लोगों को लैंग्वेज देना है। ठीक है, तो लिखा जाए, जल्दी जल्दी कीजिएगा फास्ट, यहां से लेट पी एक्स कॉमा वाई बी ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ एज ओरिजिन। एंड लिखो थोड़ा फास्ट ओ एक्स एंड ओ वाई एज द एक्सेस। हम सिर्फ किस घर के लिए बात कर रहे हैं,
पहला घर के लिए, किस घर के लिए, पहला घर के लिए। उसी तरह से अब सेकंड घर में शिफ्ट होगा, जो घर में शिफ्ट होना है हो सकता है। अब आ जाइए, अब क्या किए, ड्रॉ PM पैरेलल टू OX सो डैट OM इक्वल टू X एंड PM इक्वल टू Y, ये सब लिखवाएंगे। तो ये कहने का मतलब क्या, ये जी ये P था ना, इधर ये P था तो क्या कर दिया गया, PM X एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ M, तो यहाँ थोड़ा सा नज़र रखोगे तो OM क्या है, यहाँ से यहाँ X और यहाँ से यहाँ PM क्या होगा, Y हो जाएगा ना। ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, अभी लिखेंगे इसके बारे में। तो ओल्ड के अकॉर्डिंगली तो ये हो गया, अब ओल्ड के अकॉर्डिंगली ये वो ओरिजिन है। अब नया वाला ओरिजिन क्या हो गया, शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट किया है तो कितना दूर पर शिफ्ट किया है वो अब आएगा X1 X' Y' ठीक है। अभी कौन वाला के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, ओल्ड तो तुम लोग जानते हो, ओल्ड लिखते नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में बात करना है तो उसके लिए हमको मेंशन करना होगा ठीक है। तो लिखिएगा अब क्या कर दिए यहाँ पर, ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलिए अब क्या कर देंगे हम लोग, न्यू ओरिजिन लेंगे, तो लेट द न्यू ओरिजिन बी O' H, K विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सेस डेट इज, कह सकते हैं ओल्ड एक्सेस डेट इज, यहाँ से यहाँ है ना, L कर लो, तो ये लिख देंगे यहाँ पर OL इक्वल टू क्या, H O' L इक्वल टू K। ड्रॉ कहाँ तक हो गया, यहाँ तक ठीक है, जल्दी यहाँ तक उतारिए, फिर यहाँ लिखते हैं फिर समझाएंगे, फिर इधर वाला क्या कर देंगे, मिटा देंगे। ड्रॉ O' O' X' पैरेलल टू OX मीटिंग PM एट M' क्या कर लिए, देखो जी O' X' पैरेलल ड्रॉ किए हैं किसके, इसके OX के, जो कहाँ पर मिल रहा है PM को कहाँ पर कट कर रहा है, M' पर, तो यहाँ M' उसी तरह से ड्रॉ O' Y' पैरेलल टू OY, ये कहाँ मीट कर रहा है, मीटिंग OM एट L, OM एट कहाँ पर मीट कर रहा है, L पर, यहाँ इसको मिला दिए, तो ये ठीक है, यहाँ तक जल्दी आओ, यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलो। ठीक है अब क्या कर लिए, लेट ही जी यहाँ O' M ये वाला को किस नाम से जान रहे हो, X' बोले हो ना, तो ये हो जाएगा O' M' इक्वल टू X' और फिर ये P M' और P' M' और P ही बोल सकते हो, वही पॉइंट को बोलो P इक्वल टू क्या,
वाई डैश, पॉइंट तो वही रहेगा जी, पी डैश है मगर पॉइंट तो वही ना है, तो उसी को क्या लिखेंगे देखते हैं। चलिए विथ 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 रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सेस, न्यू एक्सेस देन, जल्दी करो, देन देन पी डैश पी एक्स डैश वाई डैश आर द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पी, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब समझिएगा, अब बताने जा रहे हैं मैं, ये थोड़ा ज़्यादा खिचड़ी मिचड़ हो गया क्या? न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ दिख रहा है ये वाला लाइन को यहाँ शिफ्ट कर दें, यहाँ तक लिख लीजिए उसके बाद, हाँ जल्दी यहाँ तक लिखिए, जल्दी लिखिए, फिर समझाना है ना पूरा, एक बार फिर से रिकैप करना है, जल्दी लिखिए। चलिए समझिए, देखिए क्या यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, देखिए फिर से समझिए, दम एकदम सिंपल है, खाली घुमा फिरा रहा है, खाली देखोगे तो लगेगा तुमको बहुत ईजी है, कंसंट्रेट करो, ये सब कुछ नहीं लमझम है, यहाँ पर मेना ओल्ड ओरिजिन, तो ये पॉइंट ओरिजिन शिफ्ट हो गया, तो एच कॉमा के, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट ही मेरा क्या कहलाएगा, पी ही कहलाएगा, लेकिन अभी ये नया पॉइंट हो जाएगा, न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पी हो जाएगा एक्स एक्स डैश कॉमा वाई डैश एज द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पी, जो पुराना वाला कोऑर्डिनेट था ना पी, वो पुराना वाला ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था, ये वाला पॉइंट जो आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, नया वाला के, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर था, कौन क्या है अब समझिएगा, तो ओल्ड वाला को ही क्या लिखिएगा ना, अब मेन पॉइंट पर आइए, क्या कहना चाह रहा है बोलिए। तो यहाँ से ओ एम, ना ओ एम को क्या लिखिएगा, ओ एम ओ एम ओ डायरेक्ट अभी लिख देते हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे, तो ये एक लिख दे रहे हैं, ओ एल प्लस एल एम लिखिएगा, इसका समझिएगा, तो बोलिए ओ एम ओ एम ओ एम ओ एम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ओ एल को किस नाम से जानते हैं, एच, एल एल एन एल एम एल एम एल एल एम, तो एल एम को किस नाम से जाने थे, यहाँ पर मेंशन किए थे, देखिए देखिए ओ ओ डैश एम डैश, तो ओ डैश एम डैश बोलो या एल एम बोलो, एल एम बोलो, बात बराबर है, ये पैरेलल है तो दोनों सेम सम, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स डैश। तो कह सकते हैं एकदम सिंपल, याद कर लो यार, ओल्ड वाला पॉइंट इक्वल टू क्या, नया वाला ओरिजिन, नया वाला ओरिजिन, नया वाला पॉइंट, नहीं ओल्ड वाला पॉइंट, ओल्ड ही ना है, तो ओल्ड वाला पॉइंट इक्वल टू क्या, नया वाला ओरिजिन, और नया वाला क्या पॉइंट हो गया। अब नया वाला पॉइंट चाहिए तो प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू पॉइंट इक्वल टू क्या लिख दोगे, पुराना वाला ओरिजिन, पुराना वाला एक्सिस माइनस नया वाला ओरिजिन, नया वाला ओरिजिन। अब उसी तरह से क्या निकालना होगा, अभी है जो कि पी एम बोले, अब है जो कि तुम बोलो पी एम बोलो, जल्दी यहाँ तक आओ, जल्दी यहाँ तक लिखो, चाहे बोली तो दोनों लिख लो, पी एम को क्या लिखोगे, एम पी को क्या लिखोगे, एम पी को एम पी, एम पी को लिखोगे एम एम डैश, एम एम डैश, और यहाँ से यहाँ एम डैश पी, और इसको जी एम पी एम पी एम पी एम पी एम पी, देखो यहाँ पर शुरू में लिखे थे हम लोग क्या लिखे थे, तो y आइए एम 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 एम, ये
तो ये बोलो या ये बोलो बात बराबर है, तो ये एच, तो ये भी क्या हो जाएगा एच, तो ये हो जाएगा एच। आ ये के होगा, सॉरी के हो, के 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 के, तो के। आ ये यहाँ से यहाँ को क्या नाम से जानते हो, देखो वाई डैश बोले हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही फॉर्मूला याद रखना, ओल्ड वाला एकदम हमको ऐसे याद है, ओल्ड वाला इक्वल टू दोनों नया वाला ओरिजिन, नया वाला पॉइंट, नया वाला ओरिजिन, नया वाला पॉइंट, ठीक है। ओल्ड इक्वल टू ओल्ड पॉइंट इक्वल टू दोनों नया वाला ओरिजिन और नया वाला पॉइंट। जल्दी लिखिए, अब क्वेश्चन पर आएंगे, आता कंप्लीट कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए। यही है, अब इसी पर क्या है कहानी। चलिए यही थ्योरी है शिफ्टिंग के लिए। अब इसी में क्या कर सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर क्वेश्चन पर आ रहे हैं, एक क्वेश्चन को लिख रहे हैं, क्वेश्चन को भी लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कैसे शिफ्टिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है जिसमें पहला दूसरा एक जैसा, पहला दूसरा एक जैसा। तो चलिए पहला ही देखिएगा क्या कह रहा है, पहला दूसरा एक जैसा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट ए, समझो ने 1,2 बाय ए ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3,-4। चलिए बोलिए क्या कीजिएगा, क्या क्या दे दिया है पहले पढ़िए और बताइए, लिखना है खुद से, जल्दी जल्दी कीजिए, सॉल्यूशन आपको खुद लिखना होगा, हम खाली समझा सकते हैं, हिंट कर सकते हैं, बोले हैं? तो सुनिए, इधर थोड़ा सा सुन लीजिए, लिखते रहिएगा। ओरिजिन शिफ्ट हो गया इस पॉइंट पर, तो यानी कि ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, तो ये एच कॉमा के हो गया, एच कॉमा के दे दिया है। और क्या चाहिए, न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स डैश वाई डैश। आ ये क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, ई एच को ये ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, तो ये एच कॉमा के हो गया, ये एक्स और वाई हो गया, एक्स और वाई, और तुमको चाहिए न्यू वाला, और न्यू वाला को किस नाम से जानते हैं, एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश। तो लिखिए यहाँ सॉल्यूशन में, बोल रहे हैं लिखिए, लेट लैंग्वेज दे के लिखना है कि डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट भी हो सकता है, लेट कर दे रहे हैं कि पॉइंट मेरा पी था एक्स कॉमा वाई, जो कि कितना है, इतना मेंशन कर दे रहे हैं, जब सीख जाइएगा ना, एक दो क्वेश्चन सीख जाइएगा तो अपना डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो लिखिए लेट पी, मेरा जो पुराना वाला पॉइंट था वो क्या था, पी, जो कि क्या था, एक्स कॉमा वाई, लेट पी बी द गिवेन पॉइंट, देन हाँ जी ए, तो बोलो पी कितना दिया हुआ है, एक्स, तो एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू -4, तो ये मेरा गिवन पॉइंट है, तो एक्स और वाई मिल गया। अब ओरिजिन क्या हो गया है, शिफ्ट कर गया है, ओ डैश जो कि कितना है, एच कॉमा के, आई एच का वैल्यू 1,2 है, तो लेट वो भी मेंशन कर दीजिए थोड़ा सा लिखने का, लेट द ओरिजिन ओ बी शिफ्टेड टू द पॉइंट
ओ डैश, ओ डैश जो कि क्या होता है एच कॉमा के, देन वेयर वेयर एच कितना है जी 1 और के कितना है 2। चलिए ओरिजिन और इसके बारे में बता दिए, अब आपको क्या चाहिए नया वाला पॉइंट चाहिए ना, तो न्यू पॉइंट आप क्या बोलते हैं एच डैश वाई डैश, तो लिखना है उसके बारे में न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर इतना ना न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर क्या होता है एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। तो बोलो वेयर, बोलो एक्स डैश कैसे निकालोगे, वेयर फार्मूला बोल दो थोड़ा सा देख लो। एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस एच है ना जी, और वाई डैश क्या हो जाएगा वाई माइनस के। तो वैल्यू बोल दो, एक्स कितना था 3 और एच कितना 1, और ये हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका क्या 2, और ये y डैश बराबर क्या हो जाएगा y कितना था माइनस 4 और ये माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या माइनस 6। तो यही हो गया आपका x न्यू कोऑर्डिनेट आपका आ गया 2, माइनस 6। जल्दी कीजिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है तो बोलिए, बनेगा कुछ किए हैं खाली नहीं भी लिखेंगे ना इधर, ये सब नहीं भी लिखेंगे तो सब बोलने लगेगा सर ये तो आपका गिवन है, डायरेक्ट आप ये न्यू पॉइंट करके देखो जी, कितना लोग डायरेक्ट कहेगा सर आप क्यों ये वाला लिखे हैं, ये नहीं लिखिए गिवन लिख दीजिए, तब मालूम है कि एक्स कॉमा वाई है और ओरिजिन को एच कॉमा के कहते ही हैं शिफ्टिंग वाले को, डायरेक्ट आप न्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालिए और यही फार्मूला से बनाए हैं, ये एक्स चाहिए था ये देखो जी एक्स डैश चाहिए था तो ये प्लस है तो इधर आया तो माइनस, और ये वाई डैश चाहिए था तो ये प्लस था तो कहाँ आया माइनस। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, पहला दूसरा बन जाएगा आपसे, अब देखिए ये हटा रहे दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग, तीसरा चौथा एक जैसा है, तीसरा चौथा एक जैसा, तो चलिए आप ही लोग बनाइएगा, चौथा बता रहे हैं इफ द ओरिजिन, खुद से जल्दी बनाओ जी, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, क्वेश्चन उतार लो नहीं तो सबके पास 2, -1 बाय ए ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस द कोऑर्डिनेट, लिखो ना यार हल्ले करता है बहुत, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट बिकम, समझना बिकम लैंग्वेज से ही पकड़ना है, तो फाइंड द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट, हाँ पॉइंट, क्वेश्चन पढ़िए जवाब बना लीजिए जल्दी कीजिए, क्या कह रहा है कह रहा है, डायरेक्ट गिवन करके बना लो ना, पुराना वाला चाहिए इस बार, क्या वाला चाहिए पुराना वाला, फास्ट कीजिए पुराना वाला चाहिए,
गिवेन में लिख दीजिए, पुराना वाला चाहिए तो आप जानते ही हैं। लैंग्वेज देख के कीजिएगा कि डायरेक्ट कर रहे हैं। न्यू ये सब लिख दीजिएगा। शिफ्टिंग करके लैंग्वेज लिख के हाँ बोलो 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 बोलो। लेट ओ ओ ओ डैश हाँ ओ डैश क्या एच कॉमा ऐसे ऐसे अच्छे लिखते रहे ऐसे ओरिजिन ठीक है वही लिख रहे हैं ओरिजिन ओ बी शिफ्टेड फॉर लैंग्वेज दे देते हैं बाद में आप नहीं दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्टेड टू टू द न्यू पॉइंट ओ डैश एच कॉमा के एच कॉमा के वेयर बोलो जी एच कितना है एच टू है और के क्या है माइनस वन हो गया। थोड़ा सा लैंग्वेज दे दोगे तो अच्छा रहेगा। अब क्या दिया हुआ है नया पॉइंट बन जाता है ये तो क्या कर लेते हैं ये भी दे दिया है तो हमको तो और पुराना वाला नहीं मालूम है। लेट लेट द ओरिजिनल ओरिजिनल कोऑर्डिनेट बी पी एक्स कॉमा वाई और न्यू कोऑर्डिनेट क्या है तो लिखोगे ना देन न्यू न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर कितना क्या होता है x डैश y डैश वेयर वेयर x डैश कितना दिया हुआ है न्यू कोऑर्डिनेट x डैश कितना दिया हुआ है x डैश माइनस थ्री दिया हुआ है y डैश आपका फाइव दिया हुआ है y डैश क्या दिया हुआ है फाइव तो बोलो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x तो x का फॉर्मूला दिया गया था x डैश प्लस h और y का फॉर्मूला दिया गया था y डैश प्लस k तो x डैश कितना है माइनस थ्री और एच कितना था टू और फिर जी y डैश फाइव और k क्या है माइनस वन तो कितना आ गया x इक्वल टू माइनस वन और y इक्वल टू फाइव जल्दी कीजिए तो हेंस करके लिखना है तो एक लाइन लिख दीजिएगा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट और इतना है हेंस हेंस ओरिजिनल ओरिजिनल कोऑर्डिनेट ओरिजिनल कोऑर्डिनेट आर कितना जी माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा जल्दी करो। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए बहुत इजी है बन गया अगला बनाइए चलिए अगला और इजी है इस बार वो रीजन चाहिए जी पांचवा क्वेश्चन में यानी कि एच कॉमा के चाहिए एच कॉमा के चाहिए कह रहा है क्या ऐसे दे दिया है फाइव एट
व्हाट पॉइंट पॉइंट मस्ट मस्ट द ओरिजिन ओरिजिन बी शिफ्टेड शिफ्टेड इफ इफ द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पॉइंट माइनस फोर कॉमा टू बिकम बिकम थ्री कॉमा माइनस टू थ्री कॉमा माइनस टू हो गया तो सिर्फ है ना लेट कर लो ओरिजिन के लिए कि वो नया वाला लेट लिखो लिखो एक लाइन लिख लो सिर्फ लेट ओ डैश ब्रैकेट में एच कॉमा के बी द पॉइंट टू विच द ओरिजिन ओ बी शिफ्टेड चाहे यही लिख लो ना ऐसे ही लेट ओरिजिन ओ बी शिफ्टेड टू द न्यू पॉइंट इतना यही निकालना है यही निकालना है यही लिख लो जो जहाँ क्या दे दिया है देन हाँ जी देखो ये पॉइंट इधर देखो ये पॉइंट हो जाता है इतना तो ये ओल्ड वाला और ये न्यू वाला यही ना तो देन कितना एक्स इक्वल टू माइनस फोर और वाई इक्वल टू टू ये एंड ये क्या दे दिया है बिकम हो जाता है मतलब क्या एक्स डैश यही ना चाह रहे हो तुम लोग शॉर्ट चाह रहे हो ना लो ठीक है तो फार्मूला हम लोग क्या रट्टा मारे हुए हैं एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच और यहाँ क्या जी वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस के ठीक है तो हमको तो इस बार एच और के ही चाहिए तो ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश और वाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई डैश चलो वैल्यू बोल दो तो जल्दी जल्दी तो माइनस फोर और ये माइनस थ्री तो माइनस सेवन एच डैश ये हो जाएगा माइनस सेवन यहाँ जी ये कितना टू माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा फोर यही ओरिजिन हो जाएगा मेरा न्यू ओरिजिन भी हेंस करके लिख लेना जल्दी कीजिए अब दो क्वेश्चन में पूरा ख़त्म हो जाएगा ख़त्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है ना एक ही जैसा है सिर्फ समझना है ठीक है समझा रहे हैं कोशिश कीजिएगा समझने का क्या कह रहा है पढ़ रहे हैं जल्दी कीजिए हो गया हटाएं हटा दें चलिए देखिए क्या कह रहा है हाँ जी 6 to 10 हाँ सब एक ही है पढ़ रहे समझना क्वेश्चन सुनिएगा लिखेंगे नहीं ठीक है क्वेश्चन अब सुनिए कह रहा है फाइंड सुनना फाइंड व्हाट द गिवन इक्वेशन बिकम बिकम बने बनेगा बनेगा मतलब कब बिकम व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस यानी कि ओरिजिन है ना 1.1 पर शिफ्ट हो गया था तो पुराना वाला यानी कि पुराना वाला एक्स दिया हुआ है द गिवन इक्वेशन दे दिया है 6 to 9 में 6 to 9 में क्या 6 ही पहले समझोगे 6 ही समझोगे कह रहा है क्या कि आपका ओरिजिन है जो कि 1.1 शिफ्ट हो गया है तो h भी 1 है और k भी क्या है 1 है
तो एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स के टर्म में, तो एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे जब ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा? एक्स के जगह पर लिखोगे ना, एक्स बराबर क्या लिखते हो? एक्स डैश प्लस एच, एक्स डैश प्लस एच, तो एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे? एक्स डैश प्लस एच, आई एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है? वन। और वाई के जगह पर क्या लिख दोगे? वाई डैश प्लस वन, क्योंकि ओरिजिन तो शिफ्ट कर गया है कितना? वन वन, कितना? वन वन, ठीक है। तो लिखिएगा सिक्स टू, तो सिक्स ही पहले समझ लीजिए, अगर सिक्स समझ में आ जाएगा तो सब बन जाएगा। तो लेट लेट पहले गिवन इक्वेशन लिख लेना, द गिवन, द गिवन इक्वेशन, अभी लाइन नहीं बोल सकते, किसी का भी इक्वेशन हो सकता है। तो गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर समझना है, कोशिश करो समझने का, ये इक्वेशन है, पहला नाम दे दिए। अब क्या कह रहा है? इसका ओरिजिन है ना, फाइंड, सुनना क्वेश्चन सुनना, फाइंड व्हाट द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन बिकम व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट वन वन, यानी कि एच के जगह एच था ना, वो कितना हो गया? ओरिजिन वन वन हो गया, ओरिजिन शिफ्ट कर गया है, तो उसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन निकालना है। तो ओरिजिन को आप लोग एच कॉमा के कहते थे, तो ये लेट कर ले, लेट लेट द ओरिजिन, ओरिजिन ओ बिकम, ओ बी शिफ्टेड, शिफ्टेड टू द पॉइंट ओ डैश, जो कि क्या है? एच कॉमा के, वेयर एच कितना जी? वन दिया हुआ है, के भी क्या दे दिया है? वन दे दिया, एच और के दे दिया है। तो नया कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है? ए नया कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है? लेट, लेट न्यू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पी, मतलब एक्स कॉमा वाई, बी एक्स डैश, नया कोऑर्डिनेट यही ना बन जाता है। तो देन बोलो जी, एक्स के जगह पर क्या लिखोगे? एक्स है ना, एक्स के जगह पर क्या लिखोगे? एक्स डैश प्लस वन होगा, एक्स था ना। और वाई के जगह पर क्या लिखोगे? वाई डैश प्लस वन, ओरिजिन शिफ्ट हो गया है, तब क्या हो गया? तो इक्वेशन अलग होगा। तो एक्स के जगह पर ये पुट कर देंगे और वाई के जगह पर ये पुट कर देंगे, है ना। तो पुटिंग, पुटिंग, पुटिंग x इक्वल टू इन इक्वेशन वन, वन में पुट कर दिए, तो ये बन जाएगा क्या? बोलो जी, x के जगह पर क्या लिखा जाएगा? x के जगह पर तो x डैश प्लस वन का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ एक्स के जगह पर एक्स डैश प्लस वन, और वाई के जगह पर वाई डैश प्लस वन माइनस थ्री, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, जल्दी करो जी सॉल्व करो। हाँ हाँ जी, सॉल्व करके देना है, नया इक्वेशन बनाना है। इसको कह रहा है कि नया इक्वेशन क्या बनेगा जब ओरिजिन ही शिफ्ट हो जाएगा, तो बताओ। जल्दी करो तब ना समझेगा।
हाँ कटेगा का? कोई ना कोई घटेगा उठेगा, कटेगा थोड़ी है। हाँ एक्स्ट्रा आंसर जो आएगा ना, तो फिर नया इक्वेशन को है ना एक्स्ट्रा ना बोल के फिर नया एक्स्ट्रा के जगह पर एक्स कर देंगे और लैंग्वेज में दे देंगे कि न्यू इक्वेशन, समझा? चलो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स्ट्रा, ये क्या हो जाएगा, इनटू कीजिएगा तो एक्स्ट्रा वाई डैस, और इसको कीजिएगा तो एक्स्ट्रा, इसको कीजिएगा तो y डैश प्लस वन जी माइनस थ्री एक्स डैश माइनस थ्री माइनस y डैश माइनस वन। देखो कोई जा रहा है, ये से ये गया कहाँ माइनस एक्स, हाँ ये घटेगा ना, ऐसे भी ये भी चल जाएगा। देखो ना ये दो एक तीन, आ ये भी कितना तीन जाएगा। नंबर में बात करो तो नंबर में देखो वन वन टू, आ ये भी क्या हो जाएगा टू, टू चल जाएगा, सॉरी सॉरी वन वन टू और टू फोर, आ ये क्या माइनस थ्री माइनस वन तो माइनस फोर, ये भी जाएगा जाएगा ना, सब चला जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ बोलो, एक्स डैश का स्क्वायर अभी एक्स डैश वाई डैश और कोई इक्वल टू हो गया। अब है जो कि लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, यही लिखा सकता है लेकिन लैंग्वेज में एक्स और वाई ही करके, इक्वेशन में कभी एक्स डैश वाई डैश नहीं होता है, तो एक्स ही करके लिखना है। तो लास्ट में न्यू लैंग्वेज में न्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे न्यू बोल के इक्वेशन में एक्स के जगह पर क्या शिफ्ट कर देंगे, एक्स डैश के जगह पर एक्स ही लिखेंगे। तो लिखिएगा एक लाइन, हेंस 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 hence equation becomes becomes क्या हो जाता है, x डैश के जगह पर x ही लिखना है, y डैश के जगह पर y ही लिखना है। तो hence equation becomes कितना जी, तो x square और यहाँ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, यही दिया है। देखो तो यही दिया आ रहे हैं, आप लोग बनाइएगा इसके आगे है ना, इसके आगे बनाइएगा, शिफ्टिंग इसी से रिलेटेड है, खत्म हो गया ठीक है।